रामप्रसाद जी, आपकी आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी, तो अब ये बताएं, आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे? डॉक्टर राठी, मैं आपके अस्पताल की उस देवी के सबसे पहले दर्शन करना चाहूंगा जिसने मुझ जैसे बेसहारा व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा की। इसका मतलब आप डॉक्टर रेखा को देखना चाहेंगे? जी हाँ डॉक्टर राठी। सिस्टर, आप डॉक्टर रेखा को बुलाइए। ओके सर। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। आप देखिएगा सामने कौन खड़ा है। सिस्टर लीजिए। डॉक्टर रेखा, आपके पेशेंट का विजुअल इम्प्रूवमेंट काफी हो गया है, अब इन पर ध्यान दीजिए। ओके सर। भगवान तुम्हें इसी तरह से दीन दुखियों की सेवा करने की भावना जगाए रखे। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। बस मैं भगवान से चाहता हूँ कि तुम सदा खुश रहो। भगवान तुम्हें इसी तरह से दीन दुखियों की सेवा करने की भावना जगाए रखे। ये तो मेरे अम्मी अबू का उपदेश है। उनका कहना है कि पूजा पाठ भजन भक्ति ये सब धार्मिकता में आता है, लेकिन आध्यात्मिकता धर्म से भी ऊपर आती है। समाज सेवा बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है जो हर धर्म से ऊपर आता है, और ये भावना कुदरत ने हर इंसान के अंदर दी है। बस उसे जगाने की जरूरत है। जो कुछ भी बांटोगे वही चीज आपके पास बेहिसाब होगी, चाहे वो धन अन्न हो, प्रेम नफरत हो, या मान सम्मान अपमान हो। इसीलिए आप दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, निश्चित ही आपके पास सबसे अच्छा वापस लौट कर आएगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू की ऐसी उपदेश की बातें सुनकर मेरे मन में उनसे मिलने की इच्छा जाग उठी है। आज ही आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज डे है, चलिए आपको मैं अपने अम्मी अबू से मिलवा देती हूँ, चलिए मेरे साथ। आइए। ये मेरी अम्मी सलमा बानू और ये मेरे अबू रहीम खान। आइए 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 ना अंदर। आप बैठिए, मैं तब तक आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। रेखा बेटी, कहीं ये वही तो नहीं जिनके बारे में तुम अक्सर मुझसे जिक्र किया करती थी? जी हाँ अबू जी। ओह रामप्रसाद जी, बहुत खुशी आप सुनकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी। रहीम साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? खुल पूछिए शौक से। ये रेखा क्या आपकी बेटी है? ये बच्ची बेटी से ही बढ़कर है। है? मैंने इसको जो है अनाथ आश्रम से लाया था, पढ़ाया लिखाया और देखिए मैंने इसको डॉक्टर बना दिया। इसके गले में शंकर भगवान का फोटो देखकर हमने इसका मजहब नहीं बदला, क्योंकि दुनिया में कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं दे, बल्कि पंडित जी से हमने वेद पुराण और गीता की तालीम दिलवाई है। अरे बहन जी, आप दोनों ने तो इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी। आपका अल्लाह जरूर आपको अपनी रहमतों से नवाजेगा। ये बच्ची हमारे लिए खुदा की रहमत है। हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पाए वो भी तो उस खुदा का ही हुक्म था, वरना हम क्या जाने जिंदगी का फलसफा। लेकिन हाँ, यकीनन नेक नियति से किया हुआ काम दुआओं का समंदर बन जाता है,
और इस बच्ची की शक्ल पे यही दुआएं तो हमें नसीब हो रही है। रहीम भाई, कहीं आप इसे मई 1998 में तो अनाथ आश्रम से लेकर नहीं आए थे? दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं ही इसका बदनसीब बाप हूं। मम्मी, क्या बाबू सो रहा है? अभी मुन्नी सो रही है बेटा, थोड़ी देर में उठ जाएगी, तब देख लेना। तो मुझे पहले ही एक बेटी दे चुकी है और इस बार भी बेटी ही पैदा किया है? इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो भगवान की देन है। सारी दुनिया का बोझ मेरे सर पे ही डालना है क्या? आप मुझ पे गुस्सा क्यों होते हो? जिंदगी में इंसान की आंखें बंद कर लेने से मुसीबतें तो नहीं टल सकती ना, लेकिन उस मुसीबत का सामना करने से इंसान की आंखें खुल जाती हैं। इतनी महंगाई में मेरे जैसा गरीब बाप बेटी को न परवरिश कर सकता है और न पढ़ा लिखा सकता है और ना ही उसकी शादी अच्छे घराने में कर सकता है, और समाज में दहेज प्रथा दानव बनकर खड़ा हुआ है। भाई साहब देखिए, आप बेटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आजकल की बेटियां किसी बेटों से कम नहीं होती। शायद आपको पता नहीं, जब खुदा खुश होता है तो बहुत बारिश करता है, जब बहुत खुश होता है तो लोगों के घर मेहमान भेजता है, और जब बेपनाह खुश होता है तो लोगों के घर बेटियां पैदा करता है। ओह माय गॉड, वेरी सैड, आपकी बच्ची का स्वर्गवास हो गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी दूसरी बेटी रेखा, जिसे आप चंद महीने पहले इस अनाथ आश्रम में छोड़ के गए थे, मैं अब आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे परवरिश के लिए किसी और को दिया जा चुका है। आपको बेटा चाहिए था ना, आप चाहे तो हमारे यहाँ से बेटा ले जा सकते हैं। ठीक है, दे दीजिए। नहीं नहीं बेटी, मैं माफी के लायक तो नहीं, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा, मैं आपको एक शर्त पे माफ करूंगी। बोल बेटी। कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिस बेटी को मैं बोझ समझा था, आज वही बेटी मेरा बोझ उठाना चाहती है। भूल जाइए उन सब गुस्सी बातों को, आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है। माफ करना और माफी मांगना, ये तो वो खूबसूरत लम्हे होते हैं सब इंसान सारी कायनात को बहुत नजदीक से महसूस करता है। अगर राम और रहीम एक साथ रहने लगे तो ये घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। हो जाएगा नहीं, ऑलरेडी दिख रहा है। पापा, प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें छोड़कर अब कभी नहीं जाएंगे। प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। ओह माय ग्रेट पापा। नमस्ते। नमस्ते। राम प्रसाद जी हैं? आप कौन? जी मैं LIC एजेंट विनोद हूँ। अरे आकाश जी। अरे विनोद जी नमस्ते। कैसे हैं? और सब ठीक है? जी जी जी। आकाश जी, जी आपके पिताजी ने आपके नाम 5 लाख की पॉलिसी की थी, जो कि आज मैच्योर हो गई है। लेकिन एक बात है, जब तक उनके साइन नहीं होंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज अपने पिताजी को बुला दीजिए। जी वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मम्मी झूठ बोली है, वो तो वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्या वृद्धाश्रम? अरे शर्म करो शर्म, आपने उस देवता को
आश्रम में डाल दिया। अरे जिसने आप लवारिस को अनाथ आश्रम से उठाकर पढ़ाया लिखाया, आपकी परवरिश की, इसका बिल बनाया, और आपने, छी, मैंने कहा था उनसे कि पॉलिसी अपने नाम पर करवाइए, लेकिन उन्होंने आपको अपना इकलौता बेटा समझकर पॉलिसी आपके नाम पर करवाई। अभी मैं जा रहा हूं, बाद में आकर साइन ले लूंगा। अब क्या होगा? आरती, एहसान का अच्छा सिला दिया आपने। आजकल राम प्रसाद जी अपनी बेटी डॉक्टर रेखा के पास रहते हैं, जो बचपन में बिछड़ गई थी। जाइए, इस एड्रेस पे वो मिल जाएंगे। लेकिन कौन सा मुंह लेकर जाएंगे उनके पास? राम प्रसाद जी यहीं रहते हैं क्या? आप कौन? मैं आकाश। अच्छा, आप आकाश हो? पापा अंदर हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। सातों जन्म तक भी आपकी सेवा करूंगा ना, तब भी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा पापा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। उठो बेटा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो फिर उसे भूला नहीं कहते। निखर कर जो बिखर जाए वो कर्तव्य है, और बिखर कर जो निखर जाए वो व्यक्तित्व है बेटा। इंसान जाने अनजाने में ऐसी ऐसी गलती, ऐसी ऐसी भूले कर बैठता है, जिसका पछतावा जिंदगी भर होता है। पापा, ये मेरी बहन है। हाँ भैया, मैं आपी की बहन हूँ। भैया, भाभी नहीं आई? नाम मतलब उसका, उसी की वजह से पापा वृद्धाश्रम गए थे। मैंने उसे उसके मायके वापस भेज दिया है, और मैंने उसको तलाक देने का भी फैसला कर लिया है। क्या कह रहे हो? हाँ पापा, वो मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। दरअसल मैं इसी काबिल हूँ। मैंने आप जैसे देवता स्वरूप इंसान के साथ बहुत गलत सलूक किया, आपको हर्ट किया। पापा, मैं माफी के काबिल तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटी, जब जागू तभी सवेरा। दादाजी, दादाजी, पापा हमें घर से भगा दिए, अब अपने पास नहीं रखेंगे। मैं देखता हूँ मेरे जीते जी तुम्हें घर से बाहर कैसे निकालता। आओ मेरे साथ चल, तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने दूंगा उसे मैं, जब तक मैं जिंदा हूँ। आओ चल। पापा, सच बताऊं तो इसकी हरकतों ने ही मुझे इसे डिवोर्स देने पर मजबूर कर। भूल होना प्रकृति है, और उसको स्वीकार लेना संस्कृति है, और उसमें सुधार लाना ही प्रगति है। जी हाँ। दरअसल औरत घर की जीनत होती है, सर का ताज नहीं। अगर सर का ताज बना लिया तो सर चढ़ के बोलेगी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, वरना तो फरिश्ता हो जाता। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, इसलिए उसको माफ करना हमारा फर्ज है। जब तक हम किसी को माफ नहीं करेंगे, तब तक खुदा भी हमें माफ नहीं करेगा। किसी भी वजह से गुनाह नहीं करना चाहिए, वजह तो खत्म हो जाएगी, लेकिन गुनाह नहीं, खुशी, जज्बात और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, जिसका पछतावा जिंदगी भर जाता है। क्रोध में बोले गए शब्द और लिए गए फैसले बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्रोध शरीर में जहर घोलता है, क्रोध स्वास्थ्य को ही नहीं रिश्ते को भी खराब कर देता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। शब्द तो वो है
जो तीर किधर है जुगदर, दर्द दे सकते हैं तो किसी दुखी हृदय के लिए मरा भी बन सकते हैं। लव मुफ्त में मिलते हैं, जिस तरह आप उसका इस्तेमाल करेंगे वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। द्रौपदी के तीखे व्यंगात्मक शब्दों ने महाभारत का युद्ध छेड़ दिया था। एक मंद बुद्धि बच्चे की माँ के शब्दों ने ही प्रेरणा बनकर थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, जिसने बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को रोशन कर दिया। वक्त और हालात तो कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए दुख और मुसीबत में कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इस बात का मुझे भी एहसास हो चुका है। देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। लम्हों की सदा जब याद आती है, बन के पछतावा सदियों तक हमें सताती है। बन के पछतावा सदियों तक हमें सताती।